आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है विद्यालय। कैसे आप लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे। सो लेके आए हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो। अपनी सीरीज चल रही थी ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिसके अंदर अपने काफी कुछ मैटर और काफी कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। अपने पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंदर ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर और पेंसिल पढ़ ली थी। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपने जो रिमेन्स कोई बचे हुए इंस्ट्रूमेंट है छोटे मोटे, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपने ये वाली पहले वाली यूनिट का खत्म हो जाएगी। कुछ चार पांच कुछ छोटे मोटे से इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, आपको वो आप जानते होंगे, आपने देखे होंगे, और यदि नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ। पेंसिल को अपने पूरी डिटेल से पढ़ा था, कितने प्रकार की पेंसिल होती है, किस ग्रेड की होती है, कौन सी पेंसिल कहाँ यूज होता है। यदि किसी ने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, प्लीज पीछे वाली वीडियोस जाकर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। प्लीज इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। पूरा सिलेबस ITI का पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब पे करवा रहे हैं, कहीं भी आपको इधर उधर कई और चैनल पर बैठने की जरूरत नहीं है। पूरा एक पूरा सिलेबस एक टॉप सब्जेक्ट का आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर बनेगा, और वही मिलेगा एग्जाम्स रिलेटेड। बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये आपको 100% गारंटी है। और एक यूनिट पूरी होने के बाद आपको इस रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जो आएंगे, वो आपको करवाए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पेंसिल के बाद नेक्स्ट टॉपिक। पेंसिल के बाद अपने पढ़ा था सेट स्केल। सेट स्केल, सेट स्केल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इस शेप का होता है, दो तरीके के सेट स्केल होते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे होते ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते थे, उसके अंदर इस शेप के दो कुछ इंस्ट्रूमेंट निकलते थे, आपने सबने देखा होगा, बट आपको कभी यूज करने नहीं आया। आपको ये सोचते होंगे भी किस लिए देते हैं, पर आपको कभी यूज करने नहीं आया। आज आपको इसका यूज करना सिखाएंगे, इसको क्या बोलते हैं वो भी सिखाएंगे, क्या फंडा होता है। इसको बोला जाता है सेट स्केल। ये किस लिए काम आता है, समांतर लाइनें खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए सेट स्केल का उपयोग किया जाता है। ये दो तरीके का होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इनके बीच में कोण होते हैं, एक तो होता है 60-60 डिग्री का, 60-60 और 60 का, कितने का, 60-60 का। एक होता है 90-30 और 60 का। 90-30 और 60 का दो तरह के सेट स्केल होते हैं, आपको बता देता हूं। एक होता है 60-60-60 और एक 90-30-60। क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा आपके पास में, यहाँ तो पूछेगा किस काम में आता है, यहाँ पूछेगा भी इनके मध्य कौन किस कितने डिग्री का होता है। आपको दो कोण दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, दो कोण दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, कैसे भी कर सकता है। और यहाँ आपको तीनों भी पूछ सकता है किस किस तरीके के होते हैं। आपको हर क्वेश्चन के तैयार रहना है। और बाकी इसका यूज आपको समांतर लाइनें, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इसका, इसको यूज करना आगे आपको पेंसिल का स्केल उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन, समांतर लाइन सीधे खींच सकते हो। सेट स्केल के बाद आपको आता है एक आप और नया इंस्ट्रूमेंट है जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वो है ड्राफ्टर। क्या है, ड्राफ्टर। ये ड्राफ्टर भी इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, समांतर लाइनें और लंबवत और क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए किया जाता है, यूज होता है, उपयोग होता है। समांतर लाइनें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, देखो जो छोटी शीट होती है ना, A3 या A2, इन शीटों के ऊपर आपका A3 पर चल जाता है ड्राफ्टर सेट स्केल, पर जो बड़ी शीट होती है उसके ऊपर ड्राफ्टर छोटा पड़ जाता है। उस स्थिति के अंदर आपको ड्राफ्टर यूज किया जाता है, जो सेट स्केल होता है वो छोटा पड़ जाता है। होता कैसा है, ड्राफ्टर आपको आपकी टीवी मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। होता क्या है, एक यहां से एक नट होता है, उसको कस दिया जाता है, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कस दिया जाता है, इसके ऊपर आपकी जो शीट है वो सेट हो गई है, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड है, ये शीट है, यहां से दो वायर निकलती है, बिल्कुल वायर छोटी सी होती है, 2 mm की होंगी, वहां से दो वायर और निकलती है, ठीक है। यहाँ पे एक नट और लगाता है राउंड शीट में, ये ग्लास वाला, इसके ऊपर एक नट। यहाँ पे स्केल होता है, एक यहाँ पे स्केल होता है, ठीक है। मूविंग पार्ट इस ड्राफ्टर के अंदर तीन होते हैं, एक ये मूविंग पार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यदि अपने इस नट को उठा के इसको घुमाएंगे
तो यहां से भी घूमेगा, यहां से भी घूमेगा, यहां से घूमेगा। कहने का मतलब इस स्केल को अपने पूरे पेज के अंदर कहीं भी लेके जा सकते हैं यहां से पकड़ के, ठीक है। कहां भी सेट करना है, कहीं भी लाइन खींचनी है, ये फिक्स हो जाएगा, यहां से कहीं भी हिला सकते हैं और आपकी लाइन नैनोमीटर भी, नैनो सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं जाएगी। यदि आपको सही चलाना आ गया, समांतर लाइन बहुत अच्छी से खींची जाएंगी और जो भी आप लाइन खींचोगे बिल्कुल स्ट्रेट एंड बिल्कुल सीधी जाएगी यदि आपको ही चलाना आ गया। इसको उठा के यहाँ भी ले जा सकते हो, यहाँ भी ले जा सकते हो, यहाँ भी ले जा। इसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है स्केल की तरह की, ठीक है। आपको ये चलाना आ गया, आपको स्केल उठाने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं भी ले जाके आप कहीं भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल खींच सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ड्राफ्टर। ये बड़ी शीटों जैसे A0, A1, A2 पे यूज किया जाता है। आपको मैंने दिखा भी दिया है PDF के अंदर क्या होता है ड्राफ्टर। उसके बाद ड्राफ्टर के बाद अपने पढ़ते हैं प्रकार। क्या पढ़ते हैं? प्रकार, जिसको बोलते हैं कंपास, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। कंपास आपको सबको पता ही है प्रकार होता है, ठीक है। इधर पेंसिल लगी होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इधर निब होती है, ये वृत्त चाप आर्क लगाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद एक मैं आपको बताता हूं ड्राफ्टिंग टैबलेट। ड्राफ्टिंग टैबलेट ये भी आपने सुना नहीं होगा, बिल्कुल आपने देखा जरूर होगा। ड्राफ्टिंग टैबलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ सबसे पहले। आपने टेम्पलेट तो सुना होगा मेरे ख्याल से। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले टेम्पलेट होता है जैसे कोई एक चीज है, ये कोई चीज है, ये कोई जैसे ऐसे है, उसके ऊपर यहां खाली स्थान है, यहां खाली स्थान है, ये पूरा है। कहने का मतलब आपको एप्लीकेशन लिखनी है कोई, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे अपना नाम भरोगे, यहाँ पे क्लास भरोगे, ये पूरी आपको बाकी जो काम जमा मैटर लिखा होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट। यानी कि मैटर पूरा ये पहले से तैयार है, उसके अंदर आपको कुछ माइनर चीजें, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो मैटर पहले का तैयार, उसके अंदर कुछ चीजें डालनी होती है, बाकी टेम्पलेट तैयार, बाकी सिस्टम मैटर तैयार होता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। जैसे कोई आपको, आपको यदि कोई इनविटेशन कार्ड लेना है, आप गूगल पे टेम्पलेट फॉर्म में यदि लिखोगे तो आपको टेम्पलेट बने आ जाएंगे। उसके अंदर आपको सिर्फ अपनी कोई इनविटेशन की तारीख और नाम लिखना है और वेन्यू लिखना है, आपको वो इनविटेशन बना बनाया आ जाए। कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है उसके भी आपको टेम्पलेट मिलते हैं गूगल के ऊपर। यदि आप सर्च मारोगे उसके अंदर आपको अपना फोन नंबर या नेम लिखना है, आपको विजिटिंग कार्ड तैयार मिल जाएगा, बाकी मैटर बना होता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। और ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के अंदर होता है कि जैसे कोई आप कोई शेप है, यहाँ पे लिखा हो आर्क बना हुआ है, या त्रिभुज बना हुआ है, या पंचभुज बना हुआ है, या छठभुज बना हुआ है, इसको आपके टेम्पलेट मिलते हैं। यहाँ एक आर्क मिला है, एक यहाँ पे समकोण, तो ये ड्राफ्ट पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे आपको पेंसिल फेरनी है, ये आर्क बन गया है। यहाँ आपको जैसे ABCD के मिलता था ना, वो मोटी ABCD छोटी ABCD आपको मिलते थे लिखे, उसके अंदर आप ऐसे फेर देते थे, ए लिखा जाता, वो भी एक टेम्पलेट होता है। तो इसी के अंदर ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के अंदर आर्क त्रिभुज का आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। यहाँ स्टार का मिल जाएगा, स्टार कैसे बनता है, यहाँ पे कोई प्लस का मिल जाएगा, है ना, कोई और मिल जाएगा, इस तरह के आपको ड्राफ्टर मिलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ठीक है। आपको सिर्फ बनी बनाई आकृति बनी बनाई मिलेगी, उसके अंदर आपको सिर्फ पेंसिल चलानी है, फेरनी है, वो उसको बोलता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के बाद आपका कंपास हो चुका है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट हो चुका है, उसके बाद आपका रह गया है ये देखा जाए तो आपका आप स्केल भी, स्केल स्केल आपको सबको पता है स्केल क्या होता है, इस तरफ नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है। सेंटीमीटर MM के अंदर होता है, ज्यादा सेंटीमीटर के अंदर होता है, और अपने ज्यादातर जो ड्राइंग करते हैं MM के अंदर करते हैं, सारा कुछ मान अपने MM के अंदर लेके चलते हैं। उसके बाद स्केल के बाद D, ठीक है। D आपको सबको पता ही है, D इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में होता है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं चांद, क्या बोलते हैं, चांदा।
यहाँ पे ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 80 डिग्री का होता है। डी के बाद रबर, रबर आपको पता होता है मिठोने के लिए, इरेजर, कटर, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपका लगभग इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं कुछ। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप ड्राइंग करते हो कुछ छोटी मोटी बारीक चीजें होती हैं, उन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी ड्राइंग बहुत साफ और अच्छी दिखेगी। दो तीन चीजें बता देता हूँ जो मैंने देखा है बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये कोई टीचर बताता नहीं है और बताने में भी बेवकूफ़ी लगती है, भी ये मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, भी सर ऐसे बोर कर रहे हैं, बट वो चीज़ें एक बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सी चीज़ है। यदि आप उसके अंदर सुधार नहीं करोगे आपकी ड्राइंग थोड़ी बन जाएगी, गलत भी नहीं होगी, पर एक वो सफाई नाम की चीज़ होती है ना, जहाँ पे कुछ अच्छा दिखता है, अभी यहाँ देख के अच्छा लगता है बच्चे ने कुछ काम किया है। ड्राइंग तो बना लो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ माइनर चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें होती हैं। देखो जब भी आप ड्राइंग बनाओ दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, जब भी आप देखो आपने ड्राइंग बनाई, सब बना लोगे, जो चीजें ध्यान रखनी है, पहली बात होती है आप कभी भी कोई भी स्केल से नाप लेते हो ना, जब जैसे आपको मान लो भी आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है या 40 mm, आप क्या करते हो, स्केल रखा यहां पे, देखा एक, यहां 4 सीधे लाइन लगा दी, ठीक है। वो आपको ये नहीं पता ये लाइन टेढ़ी है मेढ़ी, आपको नहीं पता चलता। मोस्टली बच्चों को 95% बच्चों को नहीं पता लगता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ ना मेरी क्लास के अंदर जब मैं देखता हूँ तो यही रहता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। करना क्या है, नॉर्मल सी बेसिक सी बात है, टाइम उतना ही लगेगा। देखो अब टेढ़ी बन गई, फिर उसको मिटोगे, फिर ज्यादा टाइम लगेगा, पेज भी खराब होगा, गंदगी भी होगी, वो यदि अपने रबड़ से मिटोते हैं तो पेज मैला हो जाता है ना, थोड़ा गंदा हो जाता है। करना क्या है, पहले आपको 4 सेंटीमीटर पे तो डॉट लगाते हैं, आपको यह पता लगे अभी इतनी लेंथ आएगी। अब आपको कोई भी यदि कोई सेस्केयर लेके या कुछ और चीज लेके या कुछ टी स्केयर लेके आपको वो देखना है, वो लाइन सीधी है, फिर आपको जरूरी थोड़ी 4, 1 यहाँ पे एक और यहाँ 4 हो, आपको इतना तो पता लग गया ना भी 4 सेंटीमीटर है, तो बीच वाली स्केल का सिरा रख लो ना, वहां से आप लाइन खींच लो ऐसे करके। आपको जरूरी थोड़ी अभी 1 और 4 यहीं से खींचना है, पहले सीधे यहां से खींच लो, यहां से खींचो तभी गलती होती है। पहली बात ये स्केल के अंदर ये चीजें ध्यान रखनी, ये शुरुआती स्टेज होती है आपको बेसिक। नीम हार्ड होगी तो आपकी ड्रॉइंग भी अच्छी आएगी। अब ये खींच लिया, अब यहां से स्केल को हटा लिया, और किसी भी हालत में आपकी लाइन सीधी और एक मतलब एक mm भी इधर उधर नहीं जाएगी किसी भी हालत के अंदर, ये गारंटी है मेरी आपके साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें, आप कभी भी प्रकार से चाप लगाते हो, एक बार चाप लगाना हल्का सा, आप ऐसे प्रकार पकड़ ली दो तीन बार चाप लगाते नहीं, एक बार लगाना है। यदि कोई लाइन भी खींचते हो हल्की सी लगानी है, दो तीन बार उसके ऊपर पेन नहीं चलाना, कल को मिटो, यदि मिटो नहीं पड़ जाए तो फिर वो निशान रह जाते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है। तो यहीं अपने क्लास को एंड करते हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको करवा दी हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट और यानी कि आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं, पहली यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास आएगी, आपको जो करवाया है अभी तक उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं, सब प्रश्न उत्तर करवाएंगे आपको। आप अपनी तैयारी को चेक करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अपनी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।